सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। हमें जिस चीज की जरूरत हो और वो हमें मिल जाए वो हमारे लिए सफलता है, जबकि मिली हुई चीज को शिद्दत से चाहना प्रसन्नता है। दो अक्षर का होता है लक, ढाई अक्षर का होता है भाग्य, तीन अक्षर का होता है नसीब, साढ़े तीन अक्षर की होती है किस्मत, पर ये चारों के चारों चार अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं। आज का पंचांग 23 मई 2021 दिन रविवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि, सुबह 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नामक नक्षत्र दोपहर 12:12 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:21 से 7 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 11:04 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 23 मई 2021 दिन रविवार, यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान समस्या हो सकती है। काम या धन में आपके प्रबंधकीय कौशल किसी भी जटिलता से बचने में उपयोगी सिद्ध होंगे। नेतृत्व करने और कड़ी मेहनत करने की आपकी क्षमता दूसरों द्वारा नोटिस की गई है और जल्दी ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज आपको अपनी सच्चाई और यकीन का फायदा मिलेगा। आपके सितारे आपके पक्ष में है, इसीलिए मनोवेग से बचें। अपने अंदर की अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कामों के लिए करें। हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होती हैं। यह जितने ज्यादा मिले उतना ही अच्छा होता है। अपनी आर्थिक योजनाओं पर ध्यान दें, निकट भविष्य में परिणाम हासिल होंगे। कुछ लोग आपकी सफलता को लेकर व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इन बातों को नजरअंदाज करें और सकारात्मक बने रहें। जीवन में मनचाहा संतुलन और प्रगति ना मिलने के कारण नाराजगी महसूस होगी। जीवन में नयापन लाने की आवश्यकता है। कुछ पुरानी अच्छी यादों को याद करके थोड़ा दुखी महसूस होगा और पुरानी जिंदगी से जुड़े कुछ लोग और मित्र छूट जाने के कारण अकेलापन भी कुछ देर तकलीफ दे सकता है। काम संबंधित नए अवसर को प्राप्त करने के लिए खुद के स्किल और बेहतरीन बनाना आपके लिए आवश्यक है। युवाओं को रिलेशनशिप और विवाह संबंधित चिंता सता सकती है। आंख और कान संबंधित इन्फेक्शन तकलीफ देगा, पूरा ख्याल रखें। सावधानियां, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें क्योंकि इसका असर आपकी मनोवृत्ति पर भी पड़ सकता है। कभी कभी मन में अनहोनी होने जैसा वहम अथवा भय रहेगा। अपना मनोबल बनाकर रखें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन केवल आपका है, दिन खोलकर इसे जिए। आप दोनों ही कोशिशों से आपका बोरिंग जीवन एक्साइटमेंट की खुशबू से सराबोर हो सकता है। आप अपनी पति पत्नी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, इसलिए आपके मित्र का अटूट बांध किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। आज अपने आशाओं के समुद्र में गोते खा रहे हैं। आपके मन में सपनों के राजा या रानी के साथ समय बिताने की तीव्र लालसा है। साथ में सैर करना, कॉफी पीना और गजलों को सुनना संबंध को और भी मजबूत बनाएगा। एक नया लुक आपके रोमांटिक जीवन को मसालेदार बना सकता है और अन्य लोगों से भी प्रशंसा मिलेगी। बात करते हैं करियर की।
परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा आपको उनके और भी करीब ले आएगी। अच्छा भाग्य आपके इंतजार में है, बस खुद पर विश्वास करें और लक्ष्य पर नजर रखें। धन के लेन देन में देरी नुकसान का कारण बन सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। अपने चारों तरफ सकारात्मक माहौल की वजह से आज आप आशा से भरपूर हैं। अपने पैसों को लेकर आपका दृष्टिकोण अब नया है। मेहनत और ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी अब आपको प्राप्त होने वाला है। आवेग में आकर कोई काम ना करें और जो भी काम करते हैं उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दें। बात करते हैं सेहत की। कभी कभी नकारात्मक विचार हावी होंगे, कुछ समय अनुभवी लोगों के सानिध्य में अवश्य व्यतीत करें। पैरों की दर्द तकलीफ दे सकती है, हो सके तो आज यात्रा करने से बचें। खूब पानी पिए, सेहत अच्छी रहेगी। आज का उपाय, आज आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।